वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। और अभी मैं जो है अपने ऑफिस के लिए रेडी हो चुका हूँ। बस थोड़ा सा बस मुझे लैपटॉप रखना है, थोड़ा मैं कंघी मार देता हूँ बालों में, थोड़े बिखरे हुए बाल है, और बाकी का तो मैं देखिए कितना मस्त लग रहा हूँ आज। मेरा रह गया बस परफ्यूम मारना, तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा परफ्यूम। ये देखिए, ये मैं परफ्यूम यूज़ करता हूँ। इसमें असल में 4 कलेक्शन है ये, तो आज मैं ये वाला मारूँगा। फुल्ली रेडी, मैं बैग टांगता हूँ और चलता हूँ। मैं तेरे को आके पक्का सही कर दूंगा आज, चिंता मत करियो। बेड आराम से तू लेटा रहे यहीं पे बेड, और मैं आके देखो पूरा सारा। दोस्त मेरा जो है कोड करते करते सो गया, जगह लैपटॉप खुला है और ये सो रहा है। गुड जॉब। आज मैं थोड़ा टाइम से है ना आगे चल रहा हूँ, करीब आज मैं 7 मिनट पूरे आगे चल रहा हूँ, क्योंकि पहले जो है मैं 4:15 में निकलता था, आज मैं 4:08 पे ही निकल गया, तो आज मैं 5 या 7 मिनट पहले पहुँच जाऊँगा। अटेंडेंस का भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब आज फुल वर्किंग डे रहेगा मेरा। मेरा एक फ्रेंड मिल गया मेरी कंपनी वाला ही, तो अभी मैं उसके साथ बाइक पे ही जा रहा हूँ। मैं अपने ऑफिस आ चुका हूँ अभी, और चलिए चलते हैं अभी ऊपर ऑफिस के अंदर। मैं आपको ऑफिस का नाम नहीं बताऊँगा, बट चलिए चलते हैं। नाम जो है मैं बाद में डिस्क्लोज करूँगा, अभी नहीं करूँगा, ये आप लोगों को शक बिल्कुल ना हो। निकल गया हूँ ऑफिस से, निकलते मुझे बहुत ही भूख लग गया, तो अभी मैं पीछे बर्गर का दुकान है ना टमी फिलर, इसमें आ गया हूँ एक बर्गर खाने के लिए। यहाँ पे सर मुझे एक जगह पोस्टर दिखा 40 रुपीज़ का बर्गर, मैं सोचा कि चलो ट्राई करके देखता हूँ कैसा है। तो यही पीछे मेरे 40 रुपीज़ के बर्गर का पोस्टर है, तो मैं टेस्ट करके देखता हूँ अभी कैसा लगता है खाने में। गुड मॉर्निंग गाइस, और अभी जो है मैं सो के उठा हूँ, आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि कल रात तो मैं जल्दी सोया था, करीब 12 बजे के आसपास मैं सो गया था। आज मैं सुबह कितना बजे उठाऊँ, करीब 8 या 9 बजे के आसपास उठाऊँ, और अभी जो टाइम हो रहा है 10 बज रहा है। अभी मेरे को ऑफिस का काम करना, पर मेरे को काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा अभी, तो अभी देखता हूँ करूँगा कि नहीं, क्योंकि देखिए 8 घंटा तो मेरे को कुछ भी करके करना ही है आज पूरे दिन में। तो अभी मेरा 10 तो बज ही रहा है, अभी रात 12 बजे तक का टाइम है, 12 घंटे बचे हुए हैं, उसमें से 8 घंटे काम ही करना है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी करूँ तो क्या करूँ अभी, बट चलिए देखते हैं। अभी तो चलिए पहले कुछ नहाने वाने चलते हैं, नाश्ता तो कर चुका हूँ मैं, नहाने चलते हैं। फिर से बहुत ज़्यादा काम है अभी, मैं थोड़ा सा अपने कल पता, कल मैं एक मस्त चीज़ सीख के आया वहाँ से, मतलब टेस्टिंग करने के लिए, कि मैं कल क्या सीखा, GPS सीखा मैं। ये GPS जो है आप लोग, जैसे आप लोग जानते हो कि नेविगेशन कैसे होता है, उसको कैसे टेस्ट करते हैं, किसी कंपनी में अगर आप है हो तो कंपनी आपको कैसे ट्रैक कर सकती है, कल मैं ये चीज़ सीख रहा था वहाँ पे। और जब मैं सीखा मेरे को इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया कि मैं खुद का भी GPS जो है अभी टेस्ट कर रहा था कि भाई कैसे काम होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा लमसम कुछ आइडिया दे देता हूँ, जैसे कि आपको भी शायद इंटरेस्ट आ जाए। यही है, जैसे देखिए ये एम्प्लॉय लोकेशन है, मैंने जो है अपना अहमदाबाद का सेट कर रखा है टेक्निकल टीम का, और देखिए ये मेरी फ़ोटो आ रही है ये, ठीक है। तो इसमें मैं अगर क्लिक करता हूँ, देखिए तो मेरी इसमें सारी चीज़ आ रही है, मेरा फ़ोन नंबर आ रहा है, और फिर ये सब आ रहा है मेरा पूरा, फिर मैं कहाँ रहता हूँ ये सब पूरा एड्रेस आ रहा है। बस एड्रेस वैसे गलत है, फ़ोन नंबर भी गलत है ये, और बाकी का हर एक चीज़ एग्जैक्ट दिखा रहा है, क्योंकि फ़ोन नंबर मैंने गलत ही सेट कर रखा है यहाँ पे, और एड्रेस तो अपने आप ही GPS से सेट हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका मैं आपको और भी चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे एम्प्लॉय ट्रैकिंग पे, तो सर मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेलेक्ट करता अहमदाबाद में, और उसके बाद फिर मैं ये चीज़ सेलेक्ट करता हूँ, तो और मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ अपना नाम, जैसे मेरा नाम आ गया, तो इसमें मैं कॉल ऑक्स पे आता हूँ,
तो देखिए ये मेरा आ गया लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, मैं किस एड्रेस पे हूँ, कितने बजे मेरा अपडेट हुआ था, एरिया क्या है, लोकेशन क्या है, जीपीएस एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी इसका मतलब हुआ कि जो सर्कल आपने देखा होगा, जो मैप में जो सर्कल बन रहा था, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ अभी, मतलब आपको मैं दिखा दूंगा। और मेरा बैटरी जो 97% पे हुआ था, मैंने कोई भी मॉडिफाइड और पंच टाइम मैंने कहाँ किया था, अपने ऐप से किया था। और दूसरा चीज़ है कि मेरा फ़ोन भी बता रहा है कि मेरा फ़ोन कौन सा, जैसे मेरा अपना फ़ोन वन प्लस मैं यूज़ करता हूँ, तो ये फ़ोन भी बता रहा है। और लास्ट अपडेट जो है 55 मिनट्स एगो हुआ था। मेरे को इतना मज़ा आ रहा है, मीन्स कि मतलब मैं बोला कि मतलब क्या टेस्टिंग जो है ना काफ़ी मस्त चीज़ है। मतलब पहले मुझे इतने इस चीज़ के बारे में इतना आइडिया नहीं था, पर जैसे जैसे मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ ना, मतलब मेरे को लग रहा है कि भाई क्या मस्त चीज़ मैंने चूज़ किया। पहले वैसे तो मैंने पहले पाइथन डेवलपर मैं करता था, मतलब डेवलपिंग करता था, पर मेरा तो मन हुआ वो टेस्टिंग में ट्राई करके देखते हैं, तो फिर मतलब मस्त लग रहा है टेस्टिंग। अभी थोड़ा बादल है, थोड़ा सा रोड भी गीला है। यहाँ पर क्या होता है ना कि बारिश जो होती है वो 2-3 मिनट के लिए होती है, मीन्स की बारिश होती है फिर रुक जाएगी, फिर बारिश होगी फिर रुक जाएगी, मतलब यहाँ का वेदर का समझ में नहीं आता है। मीन्स की 2 मिनट के लिए बारिश होगी फिर रुक जाएगी, देखिए अभी बारिश हुई और फिर रुकी, रोड गीला ही नहीं। खा लेते हैं, सुबह में मैं नाश्ता तो किया नहीं था, तो अभी थोड़ा खाना खा लेता हूँ, तो देखते हैं क्या सब्जी क्या बनी है, सब्जी अच्छी होगी तो खाएंगे, और नहीं तो फिर बाद में स्विगी जिंदाबाद। ये दोस्त हमारा रोटी बना रहा है, सब्जी देख लेते हैं सब्जी क्या चीज़ की है। भाई सब्जी मुझे पता नहीं किस चीज़ की है, जिस चीज़ की भी है मैं डर गया सब्जी खा के। तो अपना मैंने क्या बोला था, स्विगी जिंदाबाद, तो स्विगी और जोमेटो जिंदाबाद अपना। चलिए गाइस कुछ ऑर्डर करता हूँ खाने के लिए और फिर खाता हूँ, और फिर फौरन नहाना है मुझे, मैं नहाया नहीं अभी तक क्योंकि ऑफिस का काम कर रहा था मैं। और आप लोग जज मत करना कि मैं हमेशा ऑफिस करता हूँ, बट अभी थोड़ा सा मतलब गर्म खून है ना, अभी नया नया ऑफिस में ज्वाइन हुआ था, अभी मज़ा आता है मेरे को ऑफिस में काम करने वाला, मतलब कोई भी ऑफिस में काम तो मुझे बहुत मज़ा आता है। अरे तो वैसे मैं पूरा नहीं करता हूँ, अभी 30-40 या 50-60% ही करता हूँ काम, अभी 40% थोड़ा समझना बाकी है, तो इसके लिए मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि मैं जब समझ जाऊँगा तो मैं 110% अपना पूरा दूंगा। इस मौसम में बहुत तगड़ा हो गया है, मीन्स कि अभी मीन्स की मिनिमम धूप है और ठंड जैसी हो गई क्योंकि बारिश तो हो चुकी थी, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब पहले अभी समय में जब जाता था ऑफिस तो पूरा पसीने पसीने हो जाता था, बट अब जो है थोड़ा राहत है क्योंकि मौसम थोड़ा अच्छा हो गया। अभी क्या हुआ कि अभी आप लोग बुलेट की आवाज़ सुन रहे हो, इसमें क्या हुआ कि अभी 2 लोग थे, ठीक है, ये लोग जा रहे थे तो इन्होंने मुझे देखा व्लॉगिंग करते हुए, तो ये लोग वापस घूम के आए मेरे पास और इन्होंने पूछा कि मैं व्लॉग बनाता हूँ, तो मैंने उनको बताया कि हाँ मैं व्लॉग बनाता हूँ, मेरे चैनल का नाम ये है, तो मैंने उनको इतना चैनल का मतलब ब्लॉगिंग से कुछ तो फ़ायदा हो रहा है, मीन्स की भले स्लो ग्रोथ मिल रही है, बट एक टाइम आएगा कि यहाँ से कम है यहाँ तक पहुँच जाएंगे हम।